हेलो, मैं आप सबों के बीच इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है उससे रिलेटेड हर एक टॉपिक का वीडियो यूट्यूब पे आप लोगों के बीच फ्री लाने वाला हूँ, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग को जानना क्या होता है, हम लोग को पढ़ना क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश 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 जो वर्ड आपके बीच चलता है वो आखिरकार है क्या, इस चीज को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। कहता है क्या कि फर्स्ट हमने देखा कि इंग्लिश क्या लिखा हुआ, इंग्लिश एक वर्ड है। सबसे पहले देखा कि इंग्लिश एक वर्ड है, तो कहता है क्या बाबू इसको हम पढ़ते क्यों हैं? क्या कहता है बुआ, इसको हम पढ़ते क्यों हैं? कहने का मतलब है कि क्या है जो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश का मतलब मालूम होना चाहिए कि है क्या। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे बीच बैठे हुए हैं, वो बोलेंगे कि इंग्लिश का मतलब तो अंग्रेजी होता है, अंग्रेजी हम पढ़ते हैं। नहीं, थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि इंग्लिश है क्या। इंग्लिश पहला तो कहा जाता है कि हमारे इंग्लैंड में रहने वाले लोग, ब्रिटिश पीपल को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। किसको हुआ, ब्रिटिश पीपल को भी हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। और ब्रिटेन में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में और जगह जगह पे जहाँ भाषा जो यूज की जाती है उसको भी हम लोग इंग्लिश कहते हैं। हमारे यहाँ जो इंग्लिश का प्रचलन है वो ब्रिटिश इंग्लिश है। हमारे यहाँ जो इंग्लिश का प्रचलन है बुआ वो ब्रिटिश इंग्लिश है। और ये क्या है बुआ, इंग्लिश जो ब्रिटेन में बोले जाने वाले लैंग्वेज है, ब्रिटेन में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको हम लोग इंग्लिश कहते हैं। और हमारे यहाँ एप्लीकेशन में पुराने से देखते आ रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज है जो उन्हीं लोगों के द्वारा रखा गया, यहाँ पे छोड़ दिया गया। इसको हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। आगे कहता है कि ये जो इंग्लिश हमको सीखना है वो एक लैंग्वेज है। ये जो इंग्लिश हमको सीखना है वो क्या है बुआ, एक लैंग्वेज है। अब हम लोग सीधा समझते हैं कि हमारे यहाँ का लैंग्वेज क्या है। अभी लोकल वे पे तीन लैंग्वेज हम एग्जांपल में ले रहे हैं, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। ये तीन हमारा भाषा है। कहता है क्या कि मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इज लैंग्वेज। किसी भी एक्सप्रेशन का जो मीडियम होता है, जिससे किसी भी एक्सप्रेशन का जो मीडियम होता है जिससे हम किसी को कुछ बता पाएं, वही एक भाषा है। हम अपने शब्द को दूसरों के सामने कैसे पहुंचाएं, उसके लिए जो मीडियम उपयुक्त है वो एक लैंग्वेज है। तो हम लोग जो इंग्लिश पढ़ेंगे यहाँ, या हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या है, हमारा एक इंग्लिश लैंग्वेज है। अब क्या जानना ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज में आखिरकार जानना क्या क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में आखिरकार जानना क्या क्या होता है। तो जानने की बात जब आती है बाबू, तो इसमें दो चीज जानेंगे। एक ये जानेंगे कि हमारा जो इंग्लिश है, तो पहला तो जाने मीडियम क्या है बुआ, एक्सप्रेशन का। किसका मीडियम है, एक्सप्रेशन का है। दूसरा क्या बताया हमने कि एक ये लैंग्वेज है इंग्लिश, जो जनरली ब्रिटिश ब्रिटेन में बोला जाता था। हमारे यहाँ का जो इंग्लिश है वो ब्रिटिश इंग्लिश है। हमारे यहाँ का इंग्लिश है वो क्या है बुआ, ब्रिटिश इंग्लिश है। ये क्या है, लैंग्वेज। अब आइए, कहता है क्या किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से जानने के लिए, तो लैंग्वेज का क्या होता है बुआ, एक लिटरेचर होता है। लैंग्वेज का क्या होता है बुआ, एक लिटरेचर होता है, साहित्य जिसको बोलते हैं। लैंग्वेज को जानने के लिए उसका एक लिटरेचर होता है। और कहता है क्या किसी भी लिटरेचर को समझने के लिए टू लर्न, लिखने के लिए टू राइट, उसको पढ़ने के लिए टू रीड, और उसको बोलने के लिए टू स्पीक। ये जो चार चीज हमने आपको बताया उसको जानने के लिए लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, लिटरेचर को समझना पड़ेगा। और लिटरेचर को समझने के लिए आपका तीन पोर्शन जरूरी है। लिटरेचर को समझने के लिए क्या जरूरी है बुआ, आपका तीन पोर्शन जरूरी है। एक होता है ग्रामर, एक क्या होता है बुआ, ग्रामर। एक क्या होता है, ग्रामर। दूसरा होता है आपका वोकैबुलरी। दूसरा क्या होता है, वोकैबुलरी। और तीसरा क्या होता है, हमने जो राइट पढ़ा उसका राइटिंग को उसको हम लिखते कैसे हैं। ये तीन जो मेन पिलर है किसी भी लिटरेचर का, किसी भी लैंग्वेज का, उसको एक स्पेशल लैंग्वेज को जानने के लिए इस तीन चीज को समझना बहुत जरूरी है। जैसे ग्रामर, वोकैबुलरी और राइटिंग। ग्रामर का डिफिनीशन या ग्रामर को समझने के लिए एकदम कॉमन वे है, हर एक लैंग्वेज का एक ही तरह का आप बोलेंगे कि एक लैंग्वेज, लैंग्वेज पे समझा रहे हैं, कोई लैंग्वेज उसको जो चलाता हो, ऐसा रूल्स रेगुलेशन का एक बुक या सेट ऑफ रूल्स जो किसी भी लैंग्वेज को चलाता हो उसी को हम लोग ग्रामर बोलते हैं। और ऐसा सेट ऑफ रूल्स जो इंग्लिश लैंग्वेज को चलाएगा, ये इंग्लिश क्या पढ़ना हुआ,
क्या ब्रिटेन में रहने वाले लोग को पढ़ना है क्या? नहीं, उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती है हमारे यहाँ भी वो यूज में है और उसको हम लोगों को पढ़ना है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को जो पढ़ना है, लैंग्वेज को बताने के लिए इसका क्या जानना है बुआ? ग्रामर जानना है। इसका क्या जानना है? ग्रामर जानना है। ग्रामर में क्या हमने कहा कि ऐसा सेट ऑफ रूल्स जो किसी भी लैंग्वेज को गवर्न करे, मतलब चलाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बुआ? ग्रामर कहते हैं। और चूंकि यहाँ हमने इंग्लिश देखना है तो इंग्लिश लैंग्वेज को जो गवर्न करेगा, सही रूप से लिखना पढ़ना बोलना सिखाएगा, उसी को हम लोग इंग्लिश ग्रामर कहेंगे। वोकैबुलरी एज वर्ड स्टॉक, आपके पास किसी भी लैंग्वेज का जितना ज्यादा वर्ड स्टॉक रहेगा उतना अच्छा आप लैंग्वेज को सीख सकते हैं। और दूसरा, ये जो ग्रामर वर्ड स्टॉक जो हमने पढ़ना है उसको बताएंगे कैसे? या तो लिखेंगे बोलेंगे। देखो आज के दौर में क्या है, किसी भी लैंग्वेज को आपको आता है, विद्वान है आप, स्कॉलर हैं, लेकिन आपने बताया नहीं है इस चीज को, तो आपका कोई वैल्यू आत नहीं है, आपको कोई नहीं जान रहा, इसको आपको बताना पड़ेगा। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज का एक लिटरेचर है, और लिटरेचर को सीखने के लिए ग्रामर आना चाहिए, ग्रामर के साथ वोकैबुलरी आना चाहिए, और वोकैबुलरी के साथ राइटिंग आना चाहिए। तो हम लोग जो काम करेंगे इस लिटरेचर पे काम करेंगे। लिटरेचर कहने का मतलब कि इसके लिए जो ग्रामर जरूरी है, जो बंदा, जो स्टूडेंट ग्रामर सीख गया, वोकैबुलरी का नॉलेज है और राइटिंग सेक्शन पे पकड़ है, उसका लिटरेचर कुछ नहीं है। एक हम लोगों के यहाँ हवा बना हुआ है कि ग्रामर अलग और लिटरेचर अलग, नहीं, लैंग्वेज का एक लिटरेचर होता है और लिटरेचर को समझने के लिए ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है। अब आने वाले समय में जैसे जैसे समय बीतेगा, हम आप लोगों के बीच ये जो ग्रामर है, वोकैबुलरी और राइटिंग सेक्शन है, इसका वीडियोस फ्री हम आप लोग को यूट्यूब पर अपलोड करेंगे या यूट्यूब पे हम लाइव पढ़ाएंगे। कहता है क्या, ग्रामर में क्या जानेंगे? तो एक लेवल पे कहीं कहीं पे आप लिखा हुआ देखते होइएगा, अप्लाइड ग्रामर। क्या लिखा देखते हैं बुआ? अप्लाइड ग्रामर देखते हैं। अप्लाइड ग्रामर कहने का मतलब होता है आपके लेवल पे जो उपयुक्त जानकारी है। लेकिन हम जो इसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे एज इट इज, अगर नाउन स्टार्ट करेंगे तो उसका कंप्लीट वीडियो जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं जाने वाला है, एकदम शॉर्ट रहेगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, शेयर भी करेंगे और लोगों के बीच, ताकि लोग समझ सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के साथ अप्लाइड ग्रामर से फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा नाउन। क्या नाम होगा बुआ? नाउन। इस वीडियो में हमने क्या बताया, हमने पढ़ना क्या है इंग्लिश, जो कि एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का एक लिटरेचर है, और लिटरेचर को जानने के लिए ग्रामर, वोकैबुलरी और राइटिंग सेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। उसको बारी बारी से हम वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों के बीच लाएंगे, ठीक है? आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे और इसको सीखने का काम करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नाउन के साथ।